हाय फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल ब्लॉग लेके आए हैं जो कि है मालदीव्स का ब्लॉग, जो कि हम लोग गए थे हमारे हनीमून पे। तो बेसिकली हम लोग गए थे बैंगलोर से मालदीव्स वाया श्रीलंका होके। हम लोगों की 3 डेज़ का ये ट्रिप था। तो हम लोग श्रीलंका पहुँचे थे मॉर्निंग को, शाम को हम लोग बैंगलोर से स्टार्ट किए थे एंड श्रीलंका हम लोग मॉर्निंग को पहुँचे। मॉर्निंग को ये मैं श्रीलंका पहुँचने के बाद हम पे सेल्फी खींची एंड मॉर्निंग को श्रीलंका से हम लोगों की फ़्लाइट थी माले के लिए अराउंड 7:30 बजे एंड ये हम लोग श्रीलंका से अभी टेक ऑफ करने वाले हैं। इंडियंस के लिए मालदीव पे वीज़ा ऑन अराइवल है एंड दैट इज़ फॉर अ फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग जब माले पे लैंड किए तभी हम लोगों को वहाँ पे वीज़ा स्टैम्पिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया था। एंड श्रीलंकन एयरलाइंस पे हम लोगों को कुछ स्नैक्स भी दिए थे बट वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। उसमें बहुत ज़्यादा फिश स्मेल कर रहा था एंड हम लोग यहाँ पे कुछ मूवी देखते देखते एंड नीचे का व्यू देखते देखते हम लोग पहुँच गए माले। मालदीव्स पे हम लोगों की बुकिंग थी एक हनीमून आइलैंड के लिए। तो उधर से जब हम लोग माले में लैंड किए तभी वो आइलैंड से लोग हम लोगों के साथ कॉन्टैक्ट किया एंड उन लोगों ने हम लोगों के सारे लगेज ले लिए हम लोगों से एंड वो लोग हम लोगों को ट्रांसफ़र किए वाया कैब जहाँ से ये सी प्लेन छोड़ते हैं। बेसिकली ये सी प्लेन छोड़ने के अलग सा डॉक है माले पे। तो अगर आप लोग ऐसा वाला रिसोर्ट चूज़ करते हो जो कि माले से करीब नज़दीक पे है तो आप लोगों को स्पीड बोट के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जो कि ऐसा है। और अगर आप लोग दूर की कोई रिसोर्ट चूज़ करते हो और आइलैंड चूज़ करते हो स्टे करने के लिए तब आप लोगों को सी प्लेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो बेसिकली हम लोगों ने जो चूज किए थे वो था माले से अराउंड 94 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, जो कि सी बोट के या फिर स्पीड बोट के थ्रू जाना पॉसिबल नहीं था। तो बेसिकली पहले हम लोगों को ये जो डॉक पे लाया गया जहाँ से सी प्लेन छोड़ता है वहाँ से हम लोगों का सी प्लेन टेक ऑफ करने वाला था एंड हम लोग रेडी थे। ये जो सी प्लेन का डॉक है ये यहाँ पे इस प्लेन में सारे लगेज हम लोग उठा दिया गया एंड हम लोगों को बोला गया कि बीच समुद्र पे इसको लैंड किया जाएगा एंड फिर उधर से हम लोगों को वाया सी बोट हम लोगों के रिसोर्ट पे ले जाया जाएगा। ओ एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी, मैं फर्स्ट टाइम सी प्लेन में चढ़ने वाली थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी। अंदर बैठ चुके हैं एंड वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट। अंदर बहुत ज़्यादा नॉइज हो रहा है एंड हम लोगों को ईयर में वो ईयरबड्स दे दिया है वो नॉइज से बचने के लिए। सो ये बेसिकली एकदम फ्लाइट जैसा ही है एंड पीछे भी यहाँ पे एक गार्ड रहता है और यहाँ पे सारे लगेज हम लोगों को रखा जाता है। वी आर ऑल सेट टू गो। ऊपर से हम लोगों का अमाया कुतरा रिसोर्ट दिख रहा है एंड हम लोगों को बीच समुद्र में लैंड कर दिया। यहाँ से हम लोग स्पीड बोट से जाएंगे हमारे रिसोर्ट की तरफ। तो अभी हम लोग स्पीड बोट पर बैठ चुके हैं एंड अभी हम लोग जा रहे हैं रिसोर्ट की तरफ।
एंड हम लोग को स्पीड बोट पे लगा अराउंड 15 मिनट्स। और ये दूर से हम लोग की रिसोर्ट दिखी जा रही है जो कि है अमाया कुदरा रिसोर्ट। एंड हम लोग पहुँचने वाले हैं ये हमारा कुदरा, ये हम लोगों की एंट्रेंस। एंड रिसोर्ट पहुँचते हम लोग को वेलकम ड्रिंक एंड वेट टॉवल से वेलकम किया गया। This is beach villa. Let enter. And यहाँ पे इन लोगों ने हनीमून स्पेशल बेड डेकोरेशन करके रखा हुआ है। Swimming pool. Yeah, yeah, yeah. And this is this is chargeable. This is jacuzzi. Come, let's come to upstairs. तो ये जो बीच विला है यहाँ पे जो टू फ्लोर है, नीचे का जो फ्लोर है मतलब कि ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, ये दोनों ही हम लोगों का है। मतलब हम लोग नीचे भी रह सकते हैं एंड ऊपर भी रह सकते हैं। एक्चुअली हम दोनों सोच रहे थे ये बहुत ज़्यादा है हम लोगों के लिए, बट या इट्स अ वंडरफुल एंड बहुत बड़ा है ये विला है। Yes. हम लोग बहुत अच्छे से ये व्यू एंजॉय किए, फ्रेश हो गए तुरंत। एंड सच बोलूँ तो मतलब यहाँ से उठने का ही मन नहीं कर रहा था। सो ये एंजॉय करने के बाद हम लोग थोड़ा स्विमिंग पूल पे मस्ती की एंड फिर हम लोग चले लंच करने के लिए। उसके बीच मैंने थोड़ा झूला भी झूल लिया। ये है साइड का पूरा व्यू। ये जगह है एक्चुअली यहाँ पे डाइनिंग के लिए है। ये था हम लोगों के दोपहर के लंच। उसके बाद हम लोग थोड़ा ये पूरा आइलैंड को एक्सप्लोर किए, इधर उधर घूमे, शाम होने को आ रहा था। ये आइलैंड बहुत खूबसूरत था और हार्डली ये आइलैंड पे हम लोगों को अलावा अराउंड और 15 कपल्स थे। एंड स्पेसिफिकली ये आइलैंड
एकदम बीचों बीच है समुंदर के, चारों तरफ पूरा नीला नीला पानी। मतलब आप यहाँ पे जैसे भी घूम सकते हो, दूर दूर तक कोई भी आइलैंड नहीं है। तो शाम होते जब आया, ये बहुत खूबसूरत व्यू दे रहा था। एंड हम लोग पूरा आइलैंड को एक्सप्लोर किया। एंड फिर हम लोग रात के डिनर किए। हम लोगों की मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट एंड रात की डिनर पैकेज में ही इंक्लूडेड था। एंड सारे पैकेज के डिटेल्स मैं नीचे डाल दूँगी। सो बेसिकली ये मॉलदीव्स का जो टूर था, ये हम लोगों का 3 डेज़ का था हनीमून पैकेज। 1 डे हम लोग रुके थे बीच विला में, एंड नेक्स्ट दिन हम लोग गए थे, नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए हम लोग रुकने वाले थे वाटर विला में। तो ये हो गया है नेक्स्ट दिन का मॉर्निंग। बहुत सुंदर हवा चल रही है चारों तरफ, और हम लोगों ने कर लिया अभी ब्रेकफास्ट। एंड फिर हम लोग आए हैं थोड़ा समुंदर के बीच घूमने के लिए। उस हम लोगों की मालदीव्स की टूर थी अराउंड 4 डेज़ एंड 3 नाइट्स के लिए। तो ये जो हनीमून पैकेज था, यहाँ पे हम लोगों के इंक्लूड था हनीमून कैंडल लाइट स्पेशल डिनर। तो इसके लिए हम लोग तैयार हो गए रात को। एंड हम लोगों को 7 बजे तैयार होकर खड़े थे बक्का के लिए। तब हम लोग यहाँ पे स्टार फिश दिखे जो घूम रहा था, बहुत अच्छा। और ये आ गया हम लोगों का बग्गा, ये मालदीव्स हैप्पी हनीमून करके गाड़ी में लिखा हुआ था। वो लोग लेने आए थे हम लोगों को हम लोगों के रूम से। फिर हम लोगों के लिए एक ग्रैंड डिनर ये लोग सजा के रखे थे एकदम सी बीच पे, स्पेशली हम लोगों के लिए। एंड इट वाज अमेजिंग व्यू, अमेजिंग यू नो एनवायरनमेंट, बहुत खूबसूरत था। एंड मैं वो डिनर कभी नहीं भूल सकती, इतना अच्छा था वो। तो पहले था ये 5 स्टार लेवल का, एक्चुअली ये रेस्टोरेंट जो है 5 स्टार था। तो ये साथ सूप कुछ ब्रेड्स उसके साथ ये आया था हम लोगों का स्टार्टर। एंड ये था हम लोगों का मेन कोर्स, दिस इज़ अ प्रॉन, एक प्रॉन था बड़ा सा, और एक में हम लोग चूज़ किए थे चिकन ब्रेस्ट, दिस इज़ अ चिकन ब्रेस्ट। एंड द मोस्ट लवली एंड अमेजिंग पार्ट इज़ द डेजर्ट, आई लव दिस डेजर्ट सो मच। सो ये था डे 2। एंड कल हम लोग रुकने वाले हैं वाटर विला में।